सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको क्लियर होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML के डॉम एलिमेंट्स को रेफर कैसे करें यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट HTML डॉम एलिमेंट्स कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। यहाँ एक स्क्रिप्ट टैग लिख लेंगे सबसे पहले। यहाँ अब पैरा एक H1 बना लेंगे सबसे पहले, जिसकी आईडी दे देंगे H1, और एक H2 बना लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे H2। कंट्रोल एस से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आईडी से कैसे लेते हैं, रेफर करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट, ये टैग नेम आ गया, गेट एलिमेंट आईडी लिखेंगे। आईडी लिख के क्या करना है, यहाँ पे लिखना H1 आईडी का नेम डॉट इनर HTML, या आपको जो भी चेंज करना है, मुझे इनर HTML उसका चेंज करना है, डॉट इक्वल टू IMH1। कंट्रोल एस से सेव। पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको कैसा रन हो रहा है या नहीं। देख सकते हैं IMH1 लिखा आ गया, जो कि मैंने यहाँ से लिखा। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम बाय क्लास कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, बताना चाहूंगा एलिमेंट्स लिखते हैं यहाँ पे, एलिमेंट नहीं लिखते, क्योंकि बाय क्लास हम दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम क्लास दे देते हैं। दो डिफरेंट एलिमेंट को सेम क्लास भी दे सकते हैं हम, तो गेट एलिमेंट्स लिखते हैं। उनको सेम चीज सेम स्टाइल देना हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, या सेम कुछ भी चेंज करना हो, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम एक क्लास की हेल्प से कई एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेरे को एक ही करना है, तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नेम। क्लास नेम हमारा है क्या है, H2, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 0, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे H2 होते हैं, तो हमें बताना पड़ता है H2 फर्स्ट वाला 0 इंडेक्स वाला। डॉट इनर HTML इज इक्वल टू IMH2। कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। अब मैं वापिस ब्राउजर में जाके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं IMH2 भी प्रिंट हो गया। ऐसे ही बाय टैग नेम कर सकते हैं, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, कई बार वो चलता नहीं है कई कई ब्राउजर में। देन हम बाय क्लास नेम हम पढ़ ही चुके हैं, तो यही मेनली होते हैं। बाय CSS सिलेक्टर भी हम कर सकते हैं, CSS के जो सिलेक्टर होते हैं, बट मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगा, यही करूंगा मैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। Still in case of any query or doubt, you can put that in Q&A section. Thank you.